नमस्कार दोस्तों, राम जी टेक्निकल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आचार्य चाणक्य जी के बुक चाणक्य नीति के 12वें श्लोक के हिंदी अनुवाद के बारे में, जिसमें ये बता रहे हैं कि आपके जीवन में आपका परम मित्र कौन है, सबसे सच्चा मित्र कौन है, दोस्त कौन है, यार कौन है, भाई बंधु कौन है। ठीक है, सबसे सच्चा, जो सच्चा हो, झूठा ना हो, जो हमेशा आपको जो है हमेशा पूरी जीवन भर जो है आपके काम में आए, कैसे उसकी पहचान कर सकते हैं। तो यहां पर जो है 5 पॉइंट दिया गया है। पहले में बताया गया है कि जब कोई मनुष्य बीमार होता है, जब आप बीमार होते हैं उस समय जब आपके साथ कोई हो, कोई ऐसा मित्र हो जो आपके साथ हो, वो एक सच्चा मित्र है। 5 चीजों पर बोला गया है। यहां पर 5 चीजों में आचार्य चाणक्य ने बोला है कि अगर 5 कंडीशन में कोई बंदा आपके साथ रहता है, वो आपका सबसे सच्चा मित्र है। उसके सिवाय कोई भी आपका सच्चा मित्र नहीं है, चाहे उसको मित्र बोल रहे हो, भाई बंधु बोल रहे हो, फ्रेंड बोल रहे हो, दोस्त यार बोल रहे हो। पहला क्या है, जब आप बीमार हैं उस समय अगर कोई बंदा आपके पास है वो सच्चा मित्र है, लेकिन सिर्फ एक चीज से तय नहीं हो जाता। दूसरे में क्या कहते हैं, किसी और कारणों से भी अगर आप दुखी होते हैं या फिर कोई मनुष्य दुखी होता है, कोई मनुष्य अगर किसी और कारणों से भी दुखी होता है और वो बंदा एट द सेम टाइम पर उसके साथ होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसका सच्चा मित्र है। बात समझ में आ रही है? 2 पॉइंट हुआ अभी। तीसरे में क्या बोल रहे हैं, अकाल के कारण भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। जैसे मान लीजिए कि ये कोरोना वायरस पेंडेमिक जो आया था, उसी तरीके से कुछ और भी सिचुएशन अगर फ्यूचर में क्रिएट होती है, ऐसा समझ लीजिए कि ऐसी कुछ कंडीशन क्रिएट होती है। भुखमरी का मतलब ये है कि पैसे की कुछ प्रॉब्लम हो गई, अर्थ की कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपके साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, पैसे की कमी हो गई, तो उस कंडीशन में अगर कोई मित्र आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी मदद कर रहा है, आपके साथ खड़ा है, डेट इज ट्रू फ्रेंड। सच्चा मित्र वही है, अच्छा दोस्त वही है, सही मित्र दोस्ताना या फिर यार वही है आपका, जो आपके साथ सच्चाई से पेश आएगा, जो निस्वार्थ से आपके साथ जो पेश आ रहा है वही एक जो है सच्चा मित्र। यानी 3 कंडीशन हो गए। चौथा क्या बोल रहे हैं, चौथे में बोल रहे हैं आचार्य चाणक्य, किसी दुश्मन के द्वारा, मान लीजिए कि हर किसी का जो है आज के समय में दुश्मन होता ही, अगर आप जो है सफल हो रहे हैं तो आपके बहुत दुश्मन होंगे, अगर आप सीढ़ी बाई सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं तो आपके दुश्मन बनते ही जाएंगे, कंपटीटर बनते ही जाएंगे, शत्रु बनते ही जाएंगे, क्योंकि जो आगे बढ़ता है उसकी ही टांग लोग पीछे खींचते हैं, जो पीछे है उसको खींचने वाले आगे नहीं है या फिर बहुत ही कम लोग हैं। अगर कोई मिल गया है कि कोई पीछे है उसको खींच रहा है आगे, समझ लीजिए वो भी एक सच्चा फ्रेंड है मेरी तरफ से। लेकिन यहां पर क्या है कि जो लोग पीछे हैं उनको कोई नहीं देख रहा, लेकिन जो आगे बढ़ रहे हैं उनको खींचने वाले 10 लोग हैं। तो आचार्य चाणक्य ये बोल रहे हैं कि किसी शत्रु के कारण फंस जाने पर अगर कोई मनुष्य है और वो किसी अपने दुश्मन से या शत्रु के कारण फंस गया है, प्रॉब्लम में है, दुख परेशानी झेल रहा है, और ऐसे कंडीशन में कोई मित्र उसके साथ खड़ा है, एकदम साथ तटस्थ खड़ा है, तो ऐसा मानना चाहिए कि वो मित्र सच्चा मित्र है, ट्रू फ्रेंड है, अच्छा दोस्त है, सही दोस्त है, और वो आपके साथ हमेशा काम में आने वाला मित्र है। ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। पांचवी बात आचार्य चाणक्य बोल रहे हैं, किसी वाद विवाद प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाने की स्थिति में कुछ प्रॉब्लम हो और ऐसे समय पर भी अगर कोई मित्र आपके साथ हो, डेट इज ट्रू फ्रेंड, सच्चा मित्र वही है। यानी कि ये 5 कंडीशन में अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, समझ लीजिए वो आपका जिगरी दोस्त है, वो भाई बंधु जो भी है वो आपके साथ हमेशा काम में आने वाला है, वो आपका सच्चा फ्रेंड हो सकता है, वो आपका सच्चा दोस्त हो सकता है, वो आपके भाई से भी बढ़कर है। क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स में, ऐसी 5 कंडीशन में अगर कोई आपके साथ खड़ा हो तो वो स्वार्थी नहीं हो सकता, वो आपके साथ निस्वार्थ भाव से आपके साथ जुड़ा हुआ है, दिल से जुड़ा हुआ है, तभी वो ऐसी कंडीशन में आपके साथ आ सकता है। तो यहां पर एक तरह से समरी किया जाए तो ऐसा सच्चा मित्र
कैसे पहचान है इसके बारे में आशा चाणक्य बोला कि जो सुख दुख में जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से आपके साथ रहे उसे ही भाई बंधु समझना चाहिए। ऐसा आचार्य चाणक्य का मत है कि जो सुख दुख में निस्वार्थ भाव से, मतलब उसके मन में स्वार्थ नहीं, स्वार्थी फ्रेंड नहीं, बैड फ्रेंड नहीं, जो निस्वार्थ भाव से आपके साथ खड़ा हो उसको सच्चा मित्र समझना चाहिए, ऐसा आचार्य चाणक्य कह रहे हैं। और मैं भी ये चीज को मानता हूं क्योंकि भाई सुख में तो सब लोग आ जाते हैं, पैसा हो तो सब लोग आ जाते हैं घंटी बजाने के लिए, लेकिन दुख में अगर कोई आए वही एक सच्चा मित्र है, सच्चा व्यक्ति है, यार है, भाई बंधु है, जो भी आप उसको कह सकते हो। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे लाइक करके बताओ, हमें कमेंट करो, इस तरह के वीडियो के लिए आप राम जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं राम के प्रजापति मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।